रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं हूं अली, आप देख रहे हो आस्थानी ओलिया। आज हम आए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की सरजमीन पे एक अजीब हस्ती जो आराम फरमा रही है, उन्हें हज़रत काजी चलपुर शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। ये अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया, ये अल्लाह के अल्लाह ताला के कामिल वली भी है। और आप यदि आप अल्लाह अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हम चलते जाते हैं जी चलपुर शाह की बारगाह, और अंदर चलते जारत के लिए हम। ये हज़रत चलपुर शाह रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक है, आप देखिए माशाल्लाह। अब हम अंदर चलते जा रहे हैं। ये बाहर से अंदर आने का रास्ता है, और यहाँ से आपको सीधा अंदर आने के बाद ये यहाँ का वजू खाना है, आप देखिए वहाँ। जब आप आस्थाना ओलिया में विजिट करते हो तो आप बाहर से अंदर जाकर वजू किया करो, वजू करने के बाद आप रोज़ा मुबारक की तरफ तशरीफ लाया करो। चलपुर साहब का उस मुबारक था 9 से 12 सवाल, ये इनका एड्रेस वगैरह भी आप देखिए माशाल्लाह। जब आप अल्लाह की वली की बारगाह में विजिट करो तो सलातो सलाम पेश किया करो, सलातो सलाय वली अल्लाह, सलातो सलाय वली अल्लाह, सलातो सलाय वली अल्लाह, आप देखिए माशाल्लाह। हजरत चलपुर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह।
आपको फायदे का तरीका बताया था, मैंने आपको फायदे का तरीका बताया था, 7 मतलब आप सूरज इब्राहिम, 1 मतलब आप सूरज कापूर, 3 मतलब आप सूरज इखलास, 1 मतलब सूरज फलक, 1 मतलब सूरज नास, 1 मतलब सूरज फाते, 1 मतलब सूरज अलबकरा, 7 मतलब आप सूरज इब्राहिम। तो आप पढ़ के सबसे पहले आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका स्वाप है, इसको आप चारों के आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए उनकी बारगाह में इसका स्वाप पेश करें। उसके बाद आप चारों के लिपाए सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली से उनकी बारगाह में इसका स्वाप पेश करें। उसके बाद आप गौसे आजम अजलम तकरीम हजरत हजरत साबी पी रजलम और हजरत जो तमाम अल्लाह के वली है उनकी बारगाह में इसका स्वाप पेश करें। उसके बाद आप मैं जाते जैसे आप यहाँ विजिट करते हैं अल्लाह के वली की बारगाह में, जैसे मैं हूँ अभी आस्था ने हजरत चल फिर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, मैं खुशी तौर इनकी बाद में जो कुरान की अतर की लावत की उनका स्वाप पेश करेंगे। जो आपने जो भी आपकी नेक और जायज तमन्ना इंशाल्लाह दुआ में मांगेगा और हजरत चल फिर सरकार रहमतुल्लाह इनके आप इनके करम से आपकी जो भी नेक और जायज तमन्ना होगी इंशाल्लाह आपकी ज़रूर पूरी होगी। जब भी आप चित्तौड़गढ़ विजिट करते हो तो गोलपुर चौराहे के पास में दरगाह हजरत चलपुर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करना। सरकार के बारगाह सरकार के करम और इनके करम से आपकी जो भी बारगाह विजिट करने से आपकी जो भी नेक और जायज तमन्ना होगी इंशाल्लाह पूरी होगी। सरकार के सिलसिले करम आप बारे में के काबिल से जानेंगे। मर दिया है मछी खोल कर।